हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 1 जनवरी, बी 12 जनवरी, सी 2 फरवरी और डी 3 मार्च। जिन बच्चों को राइट आंसर पता है कमेंट करें। राइट आंसर हो जाएगा बी 12 जनवरी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 2 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूरोप, सी एशिया, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी एशिया, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऑप्शन है ए घोड़ा, बी हाथी, सी शेर, डी ऊंट। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी ऊंट, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 4 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है ए कोसी नदी को, बी यमुना नदी को, सी गंगा नदी को, डी कृष्णा नदी को। राइट आंसर हो जाएगा ए कोसी नदी को, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 5 है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? ऑप्शन है ए सोना, बी लोहा, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए सोना, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 6 है, रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शन है ए 5, बी 7, सी 8, डी 4। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी 7, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 7 है, मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? रीजनिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए आकाश, बी जल, सी वायु, डी भोजन। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए आकाश, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 8 है, नागालैंड की राजधानी क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं ए कोहिमा, बी रायपुर, सी हैदराबाद और डी पटना। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए कोहिमा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 9 है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं ए गणना करने वाला, बी संगणक, सी परिगणक और डी हिसाब लगाने वाला। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी संगणक, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 10 है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए मुंबई, बी लखनऊ, सी कोलकाता और डी दिल्ली।
राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, कोलकाता, बिल्कुल राइट हो। सवाल नंबर 11 है, भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कृष्णा नदी, डी गोदावरी। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी कृष्णा नदी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 12 है, भारत में आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब हुई? ऑप्शन दिए हुए हैं ए 1950 में, बी 1961 में, सी 1960 में, डी 1951 में। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी 1961 में, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 13 है, किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? ऑप्शन है ए भारत, बी सऊदी अरब, सी इजराइल और डी अमेरिका। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी सऊदी अरब, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 14 है, किस देश का प्रत्येक नागरिक सैनिक है? ऑप्शन है ए चीन, बी इजराइल, सी अमेरिका और डी पाकिस्तान। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी इजराइल, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 15 है, भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ होती है? ऑप्शन है ए मेघालय, बी असम, सी मिजोरम और डी उत्तराखंड। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी असम, बिल्कुल राइट हो जाएगा। या दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पास शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, और हमें इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक।